पाकिस्तान ने एक बार फिर बचकानी हरकत करते हुए अपने एयर स्पेस को प्रधानमंत्री मोदी के विमान के लिए नहीं खोला। उसे लग रहा है मानो ऐसा करके उसने कोई तीर मार लिया हो। हर मोर्चे पर भारत के खिलाफ विफल रहे पाकिस्तान को अब ऐसी ही चीजें करने में मजा आने लगा है। कभी एयर स्पेस बंद कर देना तो कभी सीमा पर अकारण फायरिंग कर देना। जरा आप भी सुनिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के वो बोल, जिसमें उनकी बौखलाहट साफ दिखी जा सकती है। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी वो जाना चाह रहे हैं जर्मनी और ओवर फ्लाइट की पाकिस्तान की वो एयर स्पेस इस्तेमाल करना चाह रहे थे 20 तारीख को जाने के लिए और फिर 28 तारीख को वापसी की इजाजत मांग रहे थे। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को सामने रखते हुए और हिंदुस्तान का रवैया सामने रखते हुए जो जुल्म और बर्बरियत और जो वहाँ हक तलफी हो रही है उसको सामने रखते हुए फैसला किया है कि हम वजीर आज़म हिंदुस्तान को इजाजत नहीं देंगे। देख रहे हैं आप, ये है पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, जो इतने बौखला चुके हैं कि अब सारे अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून भूल चुके हैं। क्योंकि नियम तो ये कहते हैं कि अगर वीवीआईपी एयर स्पेस की मांग करते हैं तो किसी भी देश को ये अधिकार नहीं है कि वो उनकी मांग को अस्वीकार कर सके। लेकिन मानसिक संतुलन खो चुके पाकिस्तान से उम्मीद ही क्या की जाए। हालांकि भारत चाहे तो पाकिस्तान की इस हरकत की शिकायत इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में कर सकता है, जहां उसको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। पाकिस्तान की इस हरकत पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी आलोचना की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान के इस फैसले की हम निंदा करते हैं। दो सप्ताह में दूसरी बार पाकिस्तान ने ऐसा किया है। कोई भी सामान्य देश इस मांग को मना नहीं करता है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए अपना एयर स्पेस खोलने से मना कर दिया था। उन्होंने आइसलैंड जाने के लिए एयर स्पेस इस्तेमाल करने की मांग की थी। इसलिए पाकिस्तान उस बार भी बचकाना व्यवहार करते हुए एयर स्पेस खोलने की मांग को नहीं माना था। बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी 6 दिनों के अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं। 20 सितंबर को जर्मनी होते हुए पीएम मोदी अमेरिका जाएंगे, जहां 21 सितंबर को हाउडी मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 50,000 भारतीय मूल के अमेरिकियों के सामने पहली बार पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप साझा रैली करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।